हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड में विकास ऑक्शन और आप देख रहे विकास जी टेक। फ्रेंड आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैस होम ऐप के बारे में, या क्या इसे कैसे यूज करेंगे और इस सबसे लोन कैसे लेते हैं। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करके सर्च बार में सर्च कर देना होगा कैस होम ऐप। जैसे सर्च कर देते हैं आपको यहाँ पर यह ऐप मिल जाएगा, तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना होगा। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको इंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 4.3 की रेटिंग है, 50,000 प्लस डाउनलोड भी है। तो चलिए जानते हैं कि आप यहां से लोन कैसे लेते हैं। यदि आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं व्हाट कर सकते हैं, यहां पे दिया गया, आप इस पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो आपको इसे कर देना होगा ओपन। तो चलिए इसे कर देते हैं ओपन। जैसे आप इसे ओपन कर देते हैं, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से लोडिंग होने लगेगा, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और लोडिंग होने देते हैं। फ्रेंड वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अब यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से आपको इसे पढ़ लेना होगा कि यहाँ पर क्या क्या फीचर दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू कर देते हैं, अब यहाँ पर परमिशन मांगेगा, तो आपको फिर से कंटिन्यू कर देना होगा। जैसे आप परमिशन पढ़ के कंटिन्यू करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको स्टार्ट लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, नीचे आपको होम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और मी का ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाएगा। तो आपको मी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप मी के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पे लॉग इन विथ राइट बे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा, उसके लिए यहाँ पे लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके नंबर पे एक OTP आएगा, उसे यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और मेरा OTP आ जाए यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे OTP आपका आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको OTP वेरीफाई कर लेना होगा। तो चलिए मेरा OTP आ चुका है। अब यहाँ पर जैसे OTP डाल के आप लॉगिन कर लेते हैं, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाए। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आ जाना होगा बैंक। बैंक आने के बाद यहाँ पर आपको माई लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर प्राइवेसी देखने को मिल जाएगा। यदि आप इससे हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हेल्प भी ले सकते हैं। तो आपको स्टार्ट लोन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप स्टार्ट लोन के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा यहाँ पे देख सकते हैं, कितने दिन का यहाँ पे यह लोन रहेगा, आपको कितने दिन में आपको पे करना पड़ेगा, यहाँ से पैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, स्टार्ट लोन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पे लोडिंग होने लगेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे फिर से प्राइवेसी देखने को मिल जाएगा, तो आपको कंटिन्यू कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू कर देते हैं, अब यहाँ पे कुछ अलाउ का परमिशन मांगेगा, तो आपको इसे बारी बारी से अलाउ कर देना होगा। चलिए इसे कर देते हैं अलाउ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जो जो अलाउ करने को बोल रहा है, तो आपको यहाँ पर सब कुछ अलाउ कर देना होगा। जैसे आप अलाउ कर देते हैं, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का लोडिंग होने लगेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि आप अपना आधार कार्ड का फ्रंट पेज और यहाँ पे बैक पेज यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपना आधार कार्ड का फ़ोटो खींचना है फ्रंट का, और यहाँ पर आपको बैक का फ़ोटो खींच के अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का भी फ़ोटो खींच के अपलोड कर देना होगा। जैसे आप फ़ोटो खींच के अपलोड कर देते हैं, अब जैसे ही आप अपलोड करेंगे या कंटिन्यू कर देते हैं, अब आपके सामने मतलब दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको अपना पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। डिटेल में आपको क्या क्या भरना है, जैसे कि आपको अपने गांव का नाम पोस्ट डाल देना होगा, तहसील डाल देना होगा, डिस्ट्रिक्ट डाल देना होगा, और वहाँ पर आपको अपना स्टेट भी डालना पड़ेगा, और आपको अपना मकान नंबर पिन कोड आपको डालना पड़ेगा, और बैंक पासबुक का डिटेल आपको पूरा भरना पड़ेगा। जैसे कि आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा और IFSC कोड भी डालना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से अपना लोन ले सकते हैं। तो आपको पूरा अच्छे से भर देना है। उसके बाद आप कितना लोन लेना चाहते हैं वो भी आपको अमाउंट पूरा फिल करना पड़ेगा, तभी आप यहां से लोन ले सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल